एक सप्ताह पहले आदमी ने चेहरे के पसीने को आस्तीन से पोंछा, फिर सूरज के भीषण क्रोध पर बड़बड़ाया और पुनः पैसेंजर हॉल से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर दौड़ाने लगा। अन्य लोगों की तरह उसके हाथ में भी एक नेम बोर्ड था। टाइम क्या हुआ है भाई? उसने बगल में खड़े अपने जैसे ही एक अन्य आदमी से पूछा। आरजे अनूप के साथ और इस कहानी को लिखा है चंद्र प्रकाश पांडे ने। बगल वाले आदमी ने पहले उसके नेम बोर्ड को घूरा, फिर कहा 12:10। छोटी मालकिन कहां रह गई? बड़बड़ाते हुए वो व्यग्र भाव से पहलू बदलने लगा। वहां से गुजरने वाला हर शख्स उसके नेम बोर्ड को देखकर हंसते हुए आगे बढ़ रहा था, किंतु उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा था। 10 मिनट बाद एक युवती पैसेंजर हॉल से बाहर आई। उसके साथ एक लोडर भी था जो लगेज ट्रॉली को धकेल रहा था। युवती ने रिसीवर्स की पंक्ति पर एक नजर डाली, किंतु किसी भी नेम बोर्ड पर अपना नाम ना पाकर उसके चेहरे पर शिकन के भाव आ गए। उसने रिस्ट वॉच देखा और फिर निचला होंठ दांतों तले दबाकर इधर उधर देखने लगी। थोड़े अंतराल के बाद उसने जीन्स के साइड पॉकेट से सेलफोन बाहर निकाला, कुछ पलों तक डिस्प्ले पर उंगलियां फिराई, तत्पश्चात कान से लगा लिया। क्षण भर भी नहीं गुजरे होंगे कि उसे सेलफोन कान से हटाना पड़ा। उसके चेहरे पर व्याप्त उलझन पहले की अपेक्षा अब और गहरी हो गई। रिसीवर्स की लाइन में खड़ा वो आदमी युवती की हरकत को ध्यान से देख रहा था। 5 मिनट गुजर गए। इस अवधि में युवती कई दफे अपना सेलफोन कान के पास ले गई, किंतु हर बार संपर्क स्थापित करने में विफल रही। आखिरकार उस आदमी से रहा नहीं गया और वो लाइन से निकलकर युवती के पास पहुंचा। आप किसी को ढूंढ रही हैं बहन जी? स्वयं के लिए बहन जी संबोधन सुनकर युवती ने बुरा सा मुंह बनाया, किंतु फिर सामने खड़े आदमी की गवार शैली वाली वेशभूषा देख उसे लगा कि उस आदमी के पास संबोधन हेतु बहन जी से बेहतर शब्द रहा ही नहीं होगा। जी हाँ, आप कौन? जी, मेरा नाम बंशीधर है। अपनी छोटी मालकिन को लेने आया हूँ जो विलायत से अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरे 10 साल बाद लौट रही है। तुम्हारी मालकिन का नाम क्या है? संस्कृति ठाकुर। नाम सुनते ही युवती ने मुट्ठी भींच ली और गुस्सा पीने का प्रयत्न करते हुए बोली, मिस्टर वंशीधर। जी बहन जी, तुमने नेम बोर्ड उल्टा पकड़ रखा है। उत्तरी। नेम बोर्ड पर नजर पड़ते ही वंशीधर की जीभ बाहर निकल गई। उसने सचमुच नेम बोर्ड उल्टा पकड़ रखा था। अब उसे समझ आया कि लोग उसके नेम प्लेट को घूर घूर कर और हंस कर क्यों देख रहे थे। पल भर में ही उसने नेम बोर्ड सीधा कर लिया। नेम बोर्ड पर संस्कृति ठाकुर लिखा हुआ था। यदि तुमने नेम बोर्ड सीधा पकड़ा होता तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना होता, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती। तो क्या आप ही संस्कृति, मेरा मतलब कि छोटी मालकिन है? हाँ, मैं ही हूँ जिसे रिसीव करने के लिए तुम उल्टे नेम बोर्ड के साथ खड़े हो। हे भगवान, कितनी बड़ी हो गई हैं आप। 10 साल पहले मुझे धूप लग रही है।
गाड़ी कहाँ पार्क की है तुमने? इस तरफ आइए छोटी मालकिन। बंशीधर ने उस दिशा में इशारा किया जिस दिशा में उसने व्हाइट इंडिगो पार्क की थी। संस्कृति और लोडर दोनों बंशी की बताई हुई दिशा में मुड़ गए। 10 साल बाद गांव में आकर कैसा लग रहा है छोटी मालकिन? स्टेयरिंग को दाहिनी दिशा में घुमाते हुए बंशीधर ने पूछा। कई शायद गुजर जाने के बाद भी कोई जवाब ना पाकर उसने गर्दन पीछे घुमाई। पिछली सीट पर मौजूद संस्कृति कोई मैगजीन पढ़ने में व्यस्त थी। व्यवधान के डर से बंशीधर ने अपना सवाल नहीं दोहराया और खामोशी के साथ गाड़ी चलाता रहा। लगभग आधे घंटे बाद उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी क्यों रोकी आपने? मालिक मालकिन ने आपको ब्रह्मा बाबा के दर्शन कराते हुए राजमहल ले आने के लिए कहा था। बंशीधर ने ड्राइविंग डोर खोलते हुए कहा। ब्रह्मा बाबा? हाँ मालकिन, राजमहल के लोग इन्हें कुल देवता के रूप में पूछते हैं। चलिए अब बाहर आ जाइए, हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बंशीधर ने इंडिगो का पिछला डोर खोलते हुए कहा। हाउ इरिटेटिंग, बुदबुदाते हुए संस्कृति ने मैगजीन को सीट पर रखा और सनग्लास तथा स्टोल लेते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। वो इलाका वीरान था। दूर दूर तक फैली हुई बंजर भूमि और दृष्टि के अंतिम छोर पर दिखाई पड़ रहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 8 फीट चौड़ी पक्की सड़क धूल से भरे उस मैदान की छाती को रौंदती हुई शंकरगढ़ तक चली गई थी, जिस जगह बंशीधर ने गाड़ी किनारे लगाई थी उससे थोड़ी ही दूर पर माइलस्टोन था जिस पर शंकरगढ़ 2 किलोमीटर लिखा हुआ था। इस जगह पर छाया के नाम पर सड़क से लगभग 50 मीटर के फासले पर केवल एक पीपल का पेड़ था जिसके चारों ओर पक्का और सीमेंटेड चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर पीपल के तने से सटा हुआ पिंजरा नुमा एक छोटा सा मंदिर था जिसमें मूर्ति के नाम पर लाल रंग की एक शंकुआकार संरचना नजर आ रही थी। पीपल के तने से दर्जन भर छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थीं और सफेद कच्चे धागे के अनगिनत फेरे भी लपेटे हुए थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां थीं। तपती धूप और धूल भरे लू के कारण वहां पल भर भी ठहरना मुश्किल था। संस्कृति ने तेजी से कदम बढ़ाकर पीपल की छांव में शरण ले लिया। यही ब्रह्मा बाबा हैं? बंशीधर ने पिंजरे नुमा मंदिर की ओर इशारा किया और सीढ़ियों के पास चप्पल उतारकर चबूतरे पर चढ़ गया। संस्कृति ने पीपल का मुआयना किया। सैकड़ों साल पुराने उस दैत्य सरीखे पीपल को देख संस्कृति अचंभित रह गई। पीपल के तने से अनगिनत शाखाएं निकलकर प्रत्येक दिशा में गई थीं और फिर उन शाखाओं से अन्य शाखाएं विकसित होकर लगभग 10 मीटर की त्रिज्या के गोल घेरे को शीतल छाया प्रदान कर रही थी। पीपल की कई पुरानी शाखाएं ऐसी थीं जिन पर काले निशान नजर आ रहे थे, ठीक वैसे ही निशान जो आधी जली हुई लकड़ियों पर होते हैं। ऊपर आइए छोटी मालकिन। बंशीधर की आवाज सुन संस्कृति की तंद्रा भंग हुई। उसने भी अपना सैंडल सीढ़ियों के पास उतारा और चबूतरे पर चढ़ गई। बंशीधर ने पीपल के तने से बंधी घंटियों को बजाया और शंकुआकार संरचना के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए कुछ बुदबुदाने लगा। संस्कृति ने भी उसका
अनुसरण किया। लगभग 2 मिनट बाद बंशीधर ने आंखें खोली। अब तक संस्कृति भी दर्शन की औपचारिकताएं पूरी कर चुकी थी। आइए अब चलते हैं छोटी मालकिन। दोनों चबूतरे से नीचे आए। यही ब्रह्मा बाबा हैं? जी छोटी मालकिन। संस्कृति ठहर गई। उसने पलटकर पिंजरे नुमा मंदिर में बनी शंक्वाकार संरचना को हैरत से देखा। ये कौन जैसा पत्थर ही ब्रह्मा बाबा के रूप में पूजा जाता है? पत्थर कहकर ब्रह्मा बाबा का अपमान मत कीजिए छोटी मालकिन, बंशीधर ने थोड़े नाराज स्वर में कहा। राजमहल का प्रत्येक सदस्य ब्रह्मा बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है। ये राजमहल के कुल देवता हैं। राजमहल में आयोजित होने वाले हर शुभ कार्य का पहला निमंत्रण इन्हें ही दिया जाता है। इनके हमारे खानदान का कुल देवता होने के पीछे कोई वजह तो होगी? कई 100 साल पुरानी कहानी है छोटी मालकिन। मुझे भी वो कहानी नहीं मालूम। मुझे ही क्या, राजमहल के किसी भी नौकर को नहीं मालूम है। दरअसल हम नौकर हैं, इसलिए हमने कभी भी राजमहल की मान्यताओं और तौर तरीकों के पीछे छिपे वजहों को जानने की कोशिश नहीं की। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें दोबारा पीपल के पेड़ पर ठहरी तो फिर वहीं ठहर कर रह गई। क्या सोचने लगी छोटी मालकिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस जगह से मेरा पुराना नाता है? संस्कृति की बात सुन बंशीधर जोर से हंसा। आपका इस जगह से सच में पुराना नाता है? मतलब ये छोटी मालकिन कि ब्रह्मा बाबा के इस मंदिर का शिलान्यास आपके ही हाथों हुआ था। उस समय आप केवल 6 महीने की थी। इंटरेस्टिंग। इतना ही नहीं छोटी मालकिन, ठाकुर और ठाकुराइन जी तो आपको ब्रह्मा बाबा की नेमत मानते हैं। बचपन से लेकर विलायत जाने तक आप हर इतवार को यहाँ ठाकुर साहब के साथ ब्रह्मा बाबा की पूजा करने आया करती थी। ओह, 10 सालों में आप शायद ये भी भूल चुकी होंगी कि यहाँ हर वर्ष दशहरे को साल का सबसे बड़ा मेला लगता है। उसी समय ब्रह्मा बाबा का भव्य श्रृंगार होता है। इस समारोह के उपलक्ष्य में राजमहल की ओर से गरीबों को भोजन और कपड़े दान में दिए जाते हैं। याद आ रहा है। पुरानी स्मृतियां ताजा होते ही संस्कृति के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। उस मेले में राम के द्वारा रावण के वध का मंचन भी किया जाता था। मैं रावण की बड़ी बड़ी मूछें देखकर हमेशा डर जाती थी। आपको तो सब कुछ याद आ गया छोटी मालकिन, बंशीधर ठहाके लगा पड़ा। आइए अब चलें, वरना देरी करने के अपराध में ठाकुर साहब मुझ पर बरस पड़ेंगे। राजमहल, शंकरगढ़ का सबसे आलिशान आवास होने के साथ साथ इस बात का भी गवाह कि बीते हुए दौर में शंकरगढ़ एक संपन्न रजवाड़ा हुआ करता था, जिसके हुक्मरान राजमहल जैसे भव्य भवन में रहा करते थे। कई एकड़ में फैला राजमहल आज भी 500 साल पुरानी वास्तुकला की भव्यता से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर विवश करता था। राजमहल देश की उन ऐतिहासिक इमारतों में से एक था जो मुस्लिम शासकों की बादशाहत से लेकर अंग्रेजों की गुलामी के प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं। महल प्राचीर से 500 मीटर अंदर स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए मुख्य द्वार से 2 पक्की सड़कें विपरीत दिशा में गई हुई थीं, जिनके दोनों ओर अमरैंथस की घनी क्यारियां थीं। महल के प्रांगण के ठीक मध्य में लगभग 15 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार घेरे में मखमली और मुलायम घास उगाई गई थी। उस घेरे की परिधि पर गेंदा, गुलाब, कुमुदनी इत्यादि भिन्न भिन्न फूलों के पौधे बगैर किसी अंतराल के लगाए गए थे, जिनमें उगने वाले भिन्न भिन्न रंगों और अलग अलग प्रजाति के फूल शोभायमान थे। उस वृत्ताकार घेरे के बीच में कमर पर
घड़ा टिकाए हुए एक युवती की संगमरमर की मूर्ति थी। उसके घड़े से निकलने वाले पानी की पतली धारा को इस प्रकार समायोजित किया गया था कि थोड़ी ऊंचाई तक उठने के बाद धारा सीधे मैदान की परिधि पर लगाए गए फूलों के पौधों पर ही गिरती थी। युवती की प्रतिमा विद्युत युक्ति के जरिए अपने स्थान पर घूर्णन भी कर सकती थी। इस युक्ति का सबसे बड़ा लाभ राजमहल के मालियों को होता था, क्योंकि उन्हें फूलों के पौधों को अलग से पानी नहीं देना पड़ता था। ये काम फव्वारे के रूप में घूर्णन करती युवती की बेजान प्रतिमा कर देती थी। रात के समय फूलों के पौधों तथा प्रतिमा की दोनों आंखों में पुतलियों के स्थान पर लगे सजावटी बल्बों की रोशनी स्वार्गिक सौंदर्य का बोध कराती थी। संगमरमर की प्रतिमा के जूड़े से भी जल की धारा निकलती थी, जो घड़े से निकलने वाली धारा की अपेक्षाकृत अधिक मोटी थी। ये धारा वैकल्पिक थी, जिसे किसी विशेष आयोजन पर ही जब फव्वारे को आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाना आवश्यक होता था तब छोड़ा जाता था। मुख्य प्रवेश द्वार से विपरीत दिशाओं में जाने वाली दोनों सड़कें इस फव्वारे वाले वृत्ताकार घेरे के दोनों ओर से होते हुए महल के मुख्य द्वार पर आकर मिल जाती थी। राजमहल के प्रत्येक मंजिल के बरामदे में बैंगनी रंग के रेशमी लटक रहे थे, जिनके किनारों पर सितारे टंगी हुई सुनहरी पट्टियां लगी हुई थी, ताकि सूरज की रोशनी में वो चमक सके। कम शब्दों में इतना ही कहना पर्याप्त था कि शंकरगढ़ का राजमहल ऐसे लोगों की तलाश का अंत था जो इस आधुनिक युग में राजसी ठाठ देखने हेतु ललायत रहते हैं। दिग्विजय ठाकुर, शंकरगढ़ रियासत की बागडोर संभालने वाले वंश की वर्तमान पीढ़ी के अगुआ, वक्त के सदैव परिवर्तित होने के सर्वोत्तम गुण और भारत में लोकतंत्र के आगमन के बाद राजशाही प्रथा का अंत भले ही हो गया था, किंतु आजादी के 70 साल बाद भी शंकरगढ़ में दिग्विजय ठाकुर का वही रुतबा था जो भारत में लोकतंत्र आने से पहले इनके पूर्वजों का हुआ करता था। सत्ता के गलियारे में एक गहरी पैठ होने के कारण दिग्विजय ठाकुर आज भी अपने पूर्वजों की राजशाही प्रथा को जीवित रखने का गौरवशाली कार्य कर रहे थे। हालांकि तीन भाइयों में सबसे बड़े दिग्विजय की गोद में ईश्वर ने संतान के रूप में केवल संस्कृति को ही डाला था, किंतु अन्य दो भाइयों अरुणोदय और चंद्रोदय के संदर्भ में ईश्वर ने उदारता बरती थी और उन्हें संतान के रूप में लड़कों के सुख से नवाजा था। अरुणोदय और चंद्रोदय दोनों के ही इकलौते लड़के संस्कृति से छोटे थे और बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कुल मिलाकर संस्कृति अगली पीढ़ी में सबसे उम्र दराज थी, जो आज पूरे 10 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी हॉल से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट होकर शंकरगढ़ लौट रही थी। राजमहल के प्रत्येक नौकर की सुबह से ही भागदौड़ जारी थी। दर्जन भर नौकरों में से शायद ही ऐसा कोई नौकर था जिसने चैन से बैठकर कुछ देर तक आराम किया था। राजमहल के प्रांगण में सफेद तंबू लगा हुआ था। जगह जगह पर हवा के लिए मिनी कूलर्स और लोगों के बैठने के लिए वीआईपी चेयर्स के इंतजाम थे। जमीन पर ईरानी कालीन बिछाए गए थे। पंडाल में एक तरफ मंच भी बना हुआ था जो धरातल से 6 फीट ऊंचा था। चारों ओर इत्र और गुलाब जल के छिड़काव के कारण वातावरण सुगंध से परिपूर्ण था। फव्वारा
ऑन था। हर रोज दोपहर के वक्त कुम्हलाए रहने वाले फूल भी आज रोज की अपेक्षाकृत मुस्कुराते से लग रहे थे। प्रत्येक रोज भीषण गर्मी से झुलसने वाला राजमहल का प्रांगण आज लोगों की चहल पहल से गुलजार था। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था, अतः लोगों की गर्दिश में भी धीरे धीरे इजाफा होने लगा था। शाही पोशाक पहने हुए कुछ नौकर हाथ में ट्रे लिए हुए टहल रहे थे। दिग्विजय के खानदान अथवा रिश्ते से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स केसरिया साफा बांधे हुआ था, क्योंकि राजमहल के प्रत्येक समारोह में सिर पर केसरिया साफा बांधना उनके खानदानी उसूलों में से एक था। अचानक गूंज उठी गाड़ी की आवाज ने पंडाल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सफेद इंडिगो मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी और अब सड़क को रौंदते हुए तेजी से राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। छोटी मालकिन आ गई, छोटी मालकिन आ गई। पंडाल में मेहमानों का स्वागत कर रहे नौकर इंडिगो को देखते ही खुशी से चिल्ला उठे। अन्य सदस्यों को सूचित करने के ध्येय से एक नौकर सारे काम छोड़कर अंदर की ओर भाग खड़ा हुआ। इंडिगो महल के मुख्य द्वार पर रुकी। पहले ड्राइविंग डोर खोलकर बंशीधर बाहर आया, फिर उसने पिछला डोर खोलकर संस्कृति को बाहर आने का इशारा किया। अब तक राजमहल की महिलाओं के साथ साथ संस्कृति के पिता दिग्विजय और उसके दोनों चाचा भी बाहर आ चुके थे। सबसे आगे संस्कृति की मां सुजाता थी, उनके हाथ में पूजा की थाली थी। गाड़ी से बाहर आते ही संस्कृति दौड़कर दिग्विजय से जा चिपकी। मिस ड्यू लॉर्ड डैडी। संस्कृति ने दिग्विजय के ऊपर चुंबनों की बौछार कर दी। बाप बेटी का प्यार देख पंडाल में उपस्थित सभी मेहमानों के होठों पर मुस्कान रेंग गई। कुछ देर तक दिग्विजय के साथ प्रेम आलाप करने के बाद संस्कृति अपने दोनों चाचाओं और छोटी माओ से भी उतने ही उत्साह से रूबरू हुई जितने उत्साह से दिग्विजय से रूबरू हुई थी। अंततः वो सुजाता की ओर मुड़ी। फाइनली इट्स योर टाइम। सबसे अंत में हमारी याद आई तुम्हें, सुजाता ने शिकायती स्वर में कहा। संस्कृति सुजाता के गले लगने को आतुर हुई, किंतु उनके हाथ में पूजा की थाली होने के कारण ठहर गई। ये क्या मम्मी, आते ही पूजा की थाली? पूरे 10 साल बाद हमारी लक्ष्मी घर लौटी है, बिना आरती के घर में प्रवेश करेगी तो इसे अशुभ माना जाएगा। एक्सक्यूज मी मम्मी, संस्कृति चिढ़कर बोली। आई एम संस्कृति नॉट लक्ष्मी। सुजाता बगैर कुछ बोले थाली में रखा कपूर जलाने लगी। ये क्या जला रही हो मम? कपूर जला रही हूं आरती के लिए। 10 साल के लिए विलायत क्या चली गई, सारे कायदे ही भूल गई। नो मम्मी प्लीज। संस्कृति ने झपट कर सुजाता के हाथ से थाली छीनते हुए कहा, प्लीज ये आरती वाला आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, आप तो जानती ही हैं मुझे बचपन से ही आग से डर लगता है। संस्कृति का आखिरी वाक्य सुनकर वहां मौजूद हर प्राणी चौंका। लेकिन सुजाता ने कुछ कहना चाहा, किंतु उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही संस्कृति ने थाली दिग्विजय को थमाते हुए कहा, प्लीज पापा ये आरती वाला आइडिया ड्रॉप करवाइए ना। रहने दो सुजाता, जब बिटिया मना कर रही है तो तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। दिग्विजय ने संस्कृति का पक्ष लिया इस वजह से नहीं कि वो 10 साल बाद लौटी थी, दरअसल वजह ये थी कि उन्हें संस्कृति की हर छोटी बड़ी मांग के आगे घुटने टेकने की आदत थी। उनकी इस आदत के कारण कभी कभी सुजाता बुरी तरह चिढ़ जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे इस समय चिढ़ गई थी। उन्होंने आरती की थाली को अनमने ढंग से एक नौकर की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू माय क्यूट मम।
कहने के बाद संस्कृति ने सुजाता की जोर से झप्पी ली। चलो अब जल्दी करो, संस्कृति को भी तैयार भी होना है, हमारे स्पेशल गेस्ट आधे घंटे में पहुंचने वाले। दिग्विजय की उपरोक्त घोषणा सुनते ही सबने मानो यथार्थ में वापसी की। पापा किस स्पेशल गेस्ट की बात कर रहे हैं? मम्मी, संस्कृति सुजाता की कान में फुसफुसाई। सब रख, जल्दी ही पता चल जाएगा, सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा। मृत्युंजय सिंह ठाकुर राज्य मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री था। फितरत से इस दर्जे का अय्याश था कि कई बार पार्टी की साख पर बट्टा लगने का प्रमुख कारण बन चुका था। लूट खसोट को वो राजनेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार समझता था। उसका मानना था कि कोई भी राजनेता हंस के सदृश जीवन पर्यंत उजला नहीं बना रह सकता। यदि सच्चाई और ईमानदारी जैसे घातक रोग की वजह से वो अपना कुर्ता सफेद रखने में सफल होता भी है तो देर से ही सही, ऑपोजिशन की ओर से उछाले गए कीचड़ उसे गंदा कर ही देते हैं। दिग्विजय का करीबी होने के कारण राजमहल के हर छोटे बड़े समारोह में उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इसीलिए संस्कृति के आगमन के उपलक्ष में आयोजित पार्टी में उसका आना तय था। दिग्विजय सुजाता के साथ साथ अरुणोदय और चंद्रोदय भी सप्तनिक पंडाल में ही थे। मेहमानों की आवभगत के साथ साथ दिग्विजय क्षणिक अंतराल पर मेन गेट की ओर भी देखते जा रहे थे। पंडाल में कोई वेस्टर्न धुन चल रही थी। आरजे अनूप के साथ और इस कहानी को लिखा है चंद्र प्रकाश पांडे ने।